पिज्जा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है, इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो वहां के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल, ये उनकी काइंडनेस थी। और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला, मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग हंड्रेड ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव, जबरदस्त। वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, नई ट्रेन्स वहाँ पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया, फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड। असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। एक ही कल्चर है हमारा, पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, जी उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जोद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में जोरों शोर के साथ वर्ल्ड कप जारी है। इसी वर्ल्ड कप के दौरान एक शख्सियत जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिनका नाम है अब्बास शब्बीर। इंडिया विजिट पर इन्होंने अपने कुछ व्लॉग्स बनाए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होंगे। आपने सर अब्बास शब्बीर को अक्सर इंडियन न्यूज चैनल्स में देखा होगा। इनकी वीडियो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सर को अपने चैनल पर इनवाइट किया जाए। उनका जो तजुर्बा है, जो इनका एक्सपीरियंस है इंडिया के हवाले से, वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नो डाउट आपने इन लोगों के बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन आज इनका हम स्पेशल जो है इनवाइट किया कि आज इनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे चैनल के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के एक नामवर चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया बोल के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी, बिल्कुल शुरू करें जी। ये बड़ा एक जबरदस्त टूर था, और अच्छा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर भी बहुत सारी चीजों को डालूंगा जो अपने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था, और मैंने आईसीसी से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है, इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था,
तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मीडिया को वीजा नहीं मिला था, तो इस तरह का फोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीजा दिया। और पहला वीजा मुझे एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक और दोस्त थे, लेकिन उनको किसी और, चूंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था, लेकिन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया। और उन्होंने बकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला, तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर 1 जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उसे लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था बिल्कुल, मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहां पे लोग मुझे बताते थे, एक होटल में वहां पे मैं स्टे कर रहा था, तो उनके रिसेप्शन पे भी मुझे किसी ने लिंक बताया, और वो टीवी पे लाइव मेरा ख्याल है चल रहा था, तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाकई कुछ भी नहीं देखा, मैंने हाँ देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोस थे उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए, और एज इट इज वो वीडियो जो है वो उन्होंने, जो पूरी मेरी वीडियोज होती थी वो मेरी फोटो लगा के तो वो लगा देते थे, तो मुझे यकीन करेंगे नहीं। और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज में इतने मगन थे कि ये तो ट्रेवलिंग के अंदर एक रेंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो, और उसको मैं शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज इट इज जो है वो आगे पीछे करके सीक्वेंस इसका बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए। और तो डेट्स सर ऑल, आपका मैंने ये कोई पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी जो 14 ईयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, और फिर हम दिल्ली आए थे, 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था, उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था, लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें अच्छा बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वो वीडियोस के अंदर भी मैं कहता रहा हूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना, मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें, तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए, और बड़े सर, पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का और बड़ा मजा आया, वंडरफुल। इंडिया में किन-किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की, दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे, और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था, वो मैंने ट्रैवलिंग अच्छा पे वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट, और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे, और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का, और हम जर्नलिस्ट साथ थे तो वो लोग पूछते थे हमारे से, और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा, तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया, और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसके इंतजाम वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत
और जो लोगों का वार्म वेलकम, अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे, और पूरा पूरा टूर। फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए, और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर, और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने उस अच्छा तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता, और ये बड़ा ऑनर था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को, हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई दिल्ली से, होम अफेयर्स से। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं, एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं। कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो वहां के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। तो जबरदस्त। वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल, ये उनकी काइंडनेस थी, और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो बहुत पॉजिटिव है, जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था, रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन, और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे, बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटलिटी थी, और मैं कहता हूँ कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इट्स वंडरफुल। तो सर, आपने अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था, और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए, तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट, मैं पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौसियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है, तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी है सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, और वहाँ पे लोग जो हमें जबरदस्ती, यानी 10 लोगों की तरफ से इनविटेशन है, तो एक को हमने सेलेक्ट करना है, वो भी हमने देखना है कि होटल के नजदीक कौन सा है, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर रात के टाइम फिर लाइव होता था, तो उस रेडियस के अंदर ही रहते थे। बहुत बड़ा है, और अभी तो हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जो मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है। तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त वहां पे चीजें मुझे तो नजर आई। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन्स वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है, तो अब वहां पे मजीद ट्रेन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है, और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं,
जहां पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता है आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी आपकी बाइक्स की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो बड़ी रैंडमली वीडियो बनी थी, एक न्यूज सेंस एक मेरे में आई, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही, हैवी बाइक्स के जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। तो मैं एक रैंडमली वहां से गुजर रहा था और मैंने एक फैसला किया कि यार मैं पूछूं तो सही, मैक्सिमम मना कर देंगे। लेकिन स्टेडियम से हम आ रहे थे उस वक्त ना, तो बाहर ही हम रिक्शे पे उतर गए, हमने कोक लेनी थी तो हम बाहर ही उतर गए, हमने कहा चलें अब यहाँ से वॉकिंग करके चले जाएंगे। तो वो शोरूम मैंने देखा तो मैंने बस रैंडमली उधर जाके बात की और वो मैंने वीडियो एक नेचुरल बनाई है, जो मुझे यूनिक चीज वहां पर नजर आई मैंने वो यूनिक चीज बता दी। मैंने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शोरूम्स बाइक्स के अंदर, कराची के अंदर हैं, लाहौर के अंदर हैं, यहाँ पर भी लोग हैवी बाइक्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी और बड़ी, मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। तो आपको जो चीज अट्रैक्शन नजर आती है वो आप उसको कह देते हैं, इजहार कर देते हैं। अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है शायद वो वहां पे बहुत सारे लोगों को, आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने वो कल जाके देखे जब मैं सेटल डाउन हुआ, मैंने कहा फिर अब मैं देखूं कि उस लिंक्स में, उसमें आई डोंट नो कि तनकीद वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे लोगों की सब ओपिनियन का बहुत एहतराम करता हूँ, जो पॉजिटिव वहां पे बात कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है, जिन्होंने नेगेटिव बात की है वो भी उनकी ओपिनियन है, मैंने वो कमेंट्स निकाल के रखे हुए, मैं उन वीडियोस के अंदर उनसे जरूर बात करूंगा कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन असल बात ये है, मेरी ये थिंकिंग थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था, इट्स ऑल रैंडम, और ये पाकिस्तान के अंदर भी हमने शायद ये कभी किया नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान के अंदर भी हर वही चीज है, डिफरेंस हम नहीं कर सकते। इंडिया का अपना एक इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का एक अपना इम्पैक्ट है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर, आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड, असल बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है, वहां पे चीजें आपको अच्छे तरीके से नजर आ रही होती है। यहाँ पर भी लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन डिफरेंस है, एजुकेशन लेवल है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका बहुत सारा डिफरेंस है। तो सर मेजर फर्क आपने क्या देखा वहां के लोगों में यहाँ के लोगों में? मोस्टली मैं जब बात करती हूँ अपने यहाँ रोड शोज में तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग दोगले हैं, 10 की चीज 20 में बेचते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो बड़े ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनमें मुनाफकत नहीं है, दोगलापन नहीं है। तो आपने वहाँ और यहाँ के लोगों में क्या फर्क देखा? नो डाउट हम ये बात एग्री करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो पीपल की है कि पीपल टू पीपल अगर हम कंपैरिजन करें तो मेजर फर्क क्या देखा यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में? देखे जो बहुत सारी पिछले क्रिकेट सीरीज थी 2003-05 अराउंड अबाउट, उस वक्त इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे, कुलदीप भाई AFP में होते थे, दिल्ली बेस्ड है, मैं मुल्तान टीम के साथ मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मुल्तान रेडियो के उस वक्त मैं काम करता था, तो हमने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, और यहाँ भी जो उनको पता चलता था जिनको भी कि इंडियंस आए हुए हैं तो वो बड़ी मोहब्बत करते थे, और अभी भी इसी तरह ही है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। आपने यहाँ की बात की कि यहाँ पे लोगों का एक अपनी मेंटालिटी है, वहां के लोगों की मैंने आपको कहा बड़ी एजुकेटेड मेंटालिटी है, वो अच्छे तरीके से चीजों को वो टैकल करते हैं, यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं है मेहमान नवाजी, हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह के होते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले और मुझे बड़ा मजा आया है, एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड
डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं, आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें डिफरेंट है, तो डिफरेंस बहुत सारी चीजों का है, लेकिन हम एक सेम कल्चर के हैं तो इसलिए इतना, हाँ उनकी जो कुछ स्टेट्स हैं उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, हमारा वो कल्चर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो काफी बहुत अच्छी मुझे नजर आई सारी चीजें। और देखें वो हमारा एक और दोस्त था किसी टीवी चैनल से था, तो जो ड्रामे हमारे हैं, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो इंडिया के अंदर बहुत पसंद की जाती हैं, हमारी चीजें बहुत पसंद की जाती हैं, मेरे पास जो यहाँ की लोकल स्वीट्स थी वो मैं लेकर गया, वो मैंने लोगों को वैसे प्लेन के अंदर मैंने भी उनको चेक करवाई, उन्होंने मुझे अपनी चीजें चेक करवाई, तो ये एक बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो, वीजा फैसिलिटीज हो, हमें जाने का मौका मिले, उनको आने का मौका मिले, तो ये चीजें प्यार डेवलप करती हैं और प्यार से ही आप जो है वो डिस्टेंसेस अपने कम करते हैं। ये अभी बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल मैंने बहुत सारे विजिट्स किए, मुख्तलिफ लोग मेरे पास रात 12 बजे फैमिलीज के साथ होटल के बाहर खड़े होते थे मिलने के लिए, तो ये बहुत सारी चीजें, जज्बाती मैं हो जाता हूँ कई बार ना, ये जब मुझे याद आता है, और जब और उनके सामने भी मैं जज्बाती हो जाता था कि आप एक चीज इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और ये चीज आपको मिलती है, क्योंकि मोहब्बत और ये गिफ्ट जो है, ये छोटे छोटे जो गिफ्ट है, अगर आपको कोई नट्स दे रहा है, आपको के साथ कोई तस्वीर बनवा रहा है, तो ये आप, ये मोहब्बत होती है, और मैंने देखा कि इंडिया के लोग लाजवाब है मोहब्बत में, लाजवाब है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपका कितने दिन का विजिट था इस दौरे के दौरान? मेरा था कोई 20 डेज का विजिट था, अभी मुझे कुछ डोमेस्टिक मेरे इश्यूज थे और मैंने यहाँ से बाहर ट्रेवल करना था कहीं पे थोड़े दिनों बाद, तो वो मैंने वाइंड अप करने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया, और मैंने चूंकि सारे वेन्यूज देख लिए, मेरा ये चौथा वर्ल्ड कप था, अब इंशाल्लाह यूएस में अगला वर्ल्ड कप भी मैं कवर करूंगा, तो 5 वर्ल्ड कप होता है कि आप इतना, चैंपियंस ट्रॉफी अलहदा है, और बहुत सारे टूर्स लाइफ के अंदर मैंने किए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने बहुत सारे, रशिया 2 बार मैं यूएस गया हूँ, तो अब मैं वो चीजें भी थोड़ा सा मेमोराइज करना चाह रहा हूँ कि उसको मैं लिंक करूँ कि लाइफ के अंदर अभी जब आपको मौका मिलता है, जब आप सीखते हैं, समझे मैं देर से सीखा हूँ इस उम्र में, मुझे इससे पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे किक बैक मिला, और इसमें मैं अपने इंडियन जो मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं और दिन रात मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वो लिमिट कम हो चुकी है, वो स्क्रॉल नहीं हो रहे मैसेजेस, मैं उनको मैसेजेस को ओपन करना चाह रहा हूँ कि, और इनकी वजह से ये मुझे बूस्ट मिला, और मैं अपनी हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका थैंक यू करूं, मुझे जर्मनी, फ्रांस, यूएस, कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ स्टेट से मुझे मैसेजेस आए कि हम वहां पे देख बैठकर आपका वीलॉग देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप हमारी सिटी दिखा रहे हैं, अगर कोई बैंगलोर का शिकागो में है तो वो शिकागो में मुझे कह रहा है कि मैं शिकागो में बैठ कर, इस तरह मुझे लग रहा है कि आपकी वीडियो देख के मैं बैंगलोर में हूँ, तो इससे बढ़ के क्या मोहब्बत हो सकती है। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की, तो इन दोनों लोगों के दरमियान हमारे जो मीडिया है और हमारे सियासतदान है, बहुत ज्यादा नफरतें, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच जो है वो कायम कर दी है। अगर इसी तरह बॉर्डर खुल जाए और आप जैसे लोग वहां जाकर और वहां के लोग यहाँ पर आकर कल्चर एक्सचेंज करें, आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, रास्ते खुले, तो मेरा ख्याल है ये जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं इंडिया के बारे में कि आपको इंडिया की जानिब से वहां के लोगों से इतना प्यार और मोहब्बत मिला है, तो डेफिनेटली जो एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ के लोगों को वहां और वहां के लोगों को यहाँ जाने का मौका मिले, तो मुझे 100% यकीन है कि नफरतें, दूरियां, कशीदगियां खत्म हो जाएंगी। देखिए मैं पॉलिटिकल मामलात पर तो बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो जस्ट जो मुझे वहां पे मिला मैंने वो बताया, इसमें कोई आप, मैं सिंपल सिंपल वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने कोई जो था वो मैंने दिखाया है, दिखाया तो इससे पहले ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो जाते थे, और अभी मुझे इंडिया से पता लगा है कि ऐसी कोई मूव दोबारा से बन रही है कि एक्सचेंज ऑफ जो आर्टिस्ट हैं वो भी अनकरीब शुरू होने वाला है, तो अगर ये जर्नलिस्टों को हमारे मुल्क के अंदर इंडिया की टीम क्रिकेट खेलने आएगी, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, हमारी बायलैटरल सीरीज इंडिया के अंदर होंगी, तो
अच्छा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और उसमें बड़ा मजा आएगा। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, देखने वाली जगह। जिस तरह पाकिस्तान अमेजिंग कंट्री है, देखते हैं लोग पूरी दुनिया से आकर, इस तरह इंडिया को भी हमें देखने का मौका मिलना चाहिए। जब आप देखेंगे, आपको चीजों का प्रैक्टिकली पता चलेगा, तो फिर आपको जरा मजा आएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम थे, अभी भी सार्क वीजाज मिलते हैं, लेकिन वो बड़े महदूद मिलते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की है पॉलिसीज कि कब इसको खोलना है, लेकिन मुझे मौका मिला, और भी लोगों को मौका मिलता है, तो आपको मौका अवेल करना चाहिए। और अच्छी चीजें पाकिस्तान की जो है वो हम रखते हैं, वो हम रखेंगे, और जो वहां की अच्छी चीजें हैं, जो वहां के लोगों की तरफ से जो आपको मिलता है, वो आपको सामने रखना चाहिए। इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरा ख्याल है बढ़ती है। थैंक थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त यू। निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार किया। मुझे उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग जो है इंडिया के वो मजीद आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। अच्छा, वो लोग जिन्होंने अभी तक सर के चैनल को विजिट नहीं किया, इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप और लिंक पर जाकर इनके व्लॉग्स देख सकते हैं कि इन्होंने इंडिया से क्या क्या एक्सप्लोर किया, इन्हें कितना प्यार और मोहब्बत मिला। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।